ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ करेंगे। इससे पहले के अध्याय पाठ में हमने जाना था कि पुरुषोत्तम मास के व्रत के क्या नियम हैं और उसमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। आज के अध्याय में हम दीपदान के महत्व को जानेंगे। पाठ को आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगी, अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में जाकर जय श्री कृष्णा लिखें। तो अब हम अपना 23वां अध्याय आरंभ करते हैं। राजा ने कहा कि हे मुनि, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे प्राप्त हुआ और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी पुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन कर्म और वाणी से पति की सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की, तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव,
किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। इस प्रकार ये 23वां अध्याय यही समाप्त होता है। बोलिए नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा। आगे की कथा के लिए, अगले अध्याय के पाठ के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा।